मौजूदा दौर में ये साहिल पाकिस्तानी मौशी इस्तेहकाम के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तेल की दरामद, तिजारती जहाजों की आमद रफ्त, जौहरी शमसी और हवाई तवनाई, जहाज साजी, माही गीरी, इको टूरिज्म और अब सी पैक, ये सब हमारी बढ़ती हुई ब्लू इकोनॉमी का हिस्सा है। दुनिया की बदलती हुई मौजूदा सूरत हाल लाजिम कर देती है कि इन असासों की हिफाजत की जाए। पाकिस्तान बहरिया बहरी सरहदों के साथ साथ साहिलों की निगेवानी का फरीजा भी सरंजाम दे रही है। सीपैक की वजह से नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल बहुत सारे जो एक्टर्स हैं उनकी नज़रें हमारे पानियों के ऊपर जो हैं आएंगी, उनका इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ेगा। तो उनका इदराक करते हुए पाकिस्तान नेवी ने कोस्टल सिक्योरिटी एंड हार्बर डिफेंस फोर्स तश्कील दी। इस सिक्योरिटी निज़ाम की बुनियाद एक ऐसा नेटवर्क है जो सर क्रीक से लेकर जीवानी तक फैला हुआ है और 1000 किलोमीटर से जायद तवील साहिली पट्टी को नाकाबले दखूल बना देता है। इस निज़ाम के तहत पूरी कोस्ट लाइन पे जो लोकल सिक्योरिटी स्टेशंस हैं और आरएसएस रीजनल सिक्योरिटी स्टेशंस हैं उनका क्याम अमल में लाया गया है और इस वक्त पूरी कोस्ट लाइन पे कोई ऐसी जगह नहीं है जो कि नेवी की सर्वेलेंस से आउट हो। ये जाल लोकल सिक्योरिटी स्टेशंस और रीजनल सिक्योरिटी स्टेशंस पर मबनी है। LSS और RSS का नेटवर्क 24 घंटे पूरी साहिली पट्टी की सूरत हाल रियल टाइम में सामने रखता है। इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग के जरिए समंदर की हदूद में हर किस्म की आमदोरफ्त पर गहरी नजर रखी जाती है और किसी भी गैर मामूली हरकत की फौरन शनाख्त की जाती है। मैरीटाइम पोल्यूशन, मैरीटाइम टेररिज्म हो सकती है, वेदर की कोई कैलामिटी हो सकती है, मरीन पोल्यूशन हो सकता है, ह्यूमन स्मगलिंग हो सकती है, वेपन स्मगलिंग हो सकती है। सारे चैलेंजेस जो हैं वो हमें सिक्योरिटी के लिए दरपेश है। जैसे ही किसी सस्पिशियस कॉन्टैक्ट को सी में देखते हैं अपने बोट्स को भेजते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और जब तक वो कॉन्टैक्ट क्लियर ना हो जाए उसको नहीं छोड़ते हैं। सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मालूमात और इत्तलात का तबादला सारी एजेंसीज के दरमियान होना बेहद जरूरी है। इस काम को सरंजाम देने के लिए ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर मरकजी किरदार अदा करता है। JMICC एक सेंट्रल पॉइंट है जो सारी इंफॉर्मेशन डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करता है, मैरीटाइम एरिया के साथ, फील्ड के साथ जो लोग अटैच्ड हैं उन सबको प्रोवाइड करता है। इस निजाम की कामयाबी में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, असलहा और बहरी असासों का बहुत बड़ा हाथ है और इससे लेस पाकिस्तान बहरिया किसी भी खतरे से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार है। हमारे पास तेज रफ्तार बोट्स हैं, सोवरक्राफ्ट हैं, रिस्पॉन्स बोट्स हैं, रेडार्स, बड़े शिप्स, दरमियाने साइज के शिप्स, स्पीड बोट्स, हेलीकॉप्टर्स, फ्लर्स, एयर एसेट्स, UAVs हैं, फास्ट अटैक बोट्स भी हैं, FSMABs हैं। आला तरबियत और बुलंद पेशावराना मायार मरकजी हैसियत रखता है। कैडेट्स और ऑफिसर्स एक कठिन और तवील प्रोग्राम के तहत अपनी जिम्मेदारियों के लिए तैयार किए जाते हैं। पार्क मरीन्स की बेसिक बूट कैंप से लेके एडवांस लेवल की ट्रेनिंग मरीन ट्रेनिंग सेंटर में होती है। हम इन्हें मॉरली ग्रूम करते हैं, फिजिकली फिट बनाते हैं।
यहाँ पे तीन तरह की हम ट्रेनिंग करवाते हैं, फोर्स प्रोटेक्शन, क्रीक्स एरिया ऑपरेशंस, एम्बुश, कोस्टल सिक्योरिटी और एयर डिफेंस डोमेन। इसके अलावा स्मॉल आर्म्स और वेपन के चलाने से लेके जो एडवांस बोट्स हैं या होवरक्राफ्ट्स हैं हमारे पास, उनकी जो तरबियत है वो भी इसमें शामिल है। फिशरमैन की सर्च एंड रेस्क्यू के लिए भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हमें वक्त तैयार रहते हैं, और जैसे ही हमें कोई डिस्ट्रेस कॉल मिलती है तो हमारे प्लेटफॉर्म सी में जाते हैं, वहां से हमारे जो फिशरमैन किसी मुसीबत में फंसे हों उनको निकाल कर लेकर आते हैं। सीपैक इकोनॉमिक अपलिफ्ट का प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के लिए, स्पेशली चाइना के लिए भी। सबसे बढ़ के वहाँ पे गवादर पोर्ट है। गवादर पोर्ट की एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है इस रीजन के लिए, और पाकिस्तान नेवी की ये जिम्मेदारी है कि वो इन समंदरी रास्तों की हिफाजत करें। इस सारे ट्रेड को सिक्योरिटी मुहैया करने के लिए हमने टास्क फोर्स 88 जो है वो बनाई है, तो वहाँ पे हम एरियल सर्वेलेंस भी करते हैं, शिप्स को एस्कॉर्ट भी करते हैं आते जाते हुए पोर्ट के अंदर, तो हर तरह की सिक्योरिटी जो पॉसिबल हो सकती है वो हम शिप्स को मुहैया करते हैं ताकि वो एक कम्फर्ट के साथ हमारे पोर्ट में आए। सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस, बहरी असासे, जदीद टेक्नोलॉजी, हथियार और असलहा पूरी साहली पट्टी को मुकम्मल हिफाजती और दिफाई सहूलियात फराहम करती हैं, ताकि किसी भी मुमकिन खतरे को आगाज से पहले ही अंजाम तक पहुंचा दिया जाए।